छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर स्थित इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में INSD के CEO संजय अग्रवाल और प्रणव अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सेमिनार में INSD के छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही आगामी दिनों में संस्था द्वारा कराए जा रहे पेरिस टूर के संबंध में बताया गया। यहाँ के छात्र विशेष योग्यता के लिए पेरिस में डिजाइनिंग व इंटीरियरिंग सीखेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान INSD के डायरेक्टर विनोद सोनी व संदीप कौर ने बताया कि बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उचित मार्गदर्शन व ना मिलने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते। हम INSD के माध्यम से एक छोटा प्रयास कर रहे हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाने के लिए पेरिस स्टडी टूर का प्लान किया जा रहा है। आगामी वर्ष इसके तहत छात्रों को पेरिस ले जाएगा। इस टूर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकसित हो सकेंगे। सेमिनार के दौरान विभिन्न श्रेणियों में छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी बांटा गया। वहीं संस्था में 3 वर्षों का कोर्स पूरा करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। इंस्टीट्यूट में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इसमें डिजाइनर ड्रेसेस बनाना, ज्वेलरी बनाना, फ्री हैंड पेंटिंग, मधुबनी कलमकारी आर्ट, क्ले आर्ट आदि शामिल है। सेमिनार के दौरान इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। पहले उसकी गाड़ी में पैसा देंगे बोल करके ये दोनों अलग से ले गए हैं और घटनास्थल पर ले जाके उनकी हत्या की है। वापस आया है और लगभग पहली हत्या जो उन्होंने की है 2 तारीख को दोपहर में 11:30-35 के आसपास कर दी है, और दूसरा प्रकरण जो है वापस आने के बाद विनायकपुर में इसको भी बेवकूफ़ बना करके खेत में ले गए हैं, और उसके बाद वहाँ 5:45 के आसपास दूसरा जो हत्या की है आनंद बीवी की, उसकी हत्या कर दी है। और इसमें ये पता चला है कि मार्कशीट ये लोग जो है इनका जो आनंद वानखेड़े विजयानंद मनखेड़े है इनका मार्कशीट वगैरह दिलाना या परीक्षा में पास कराने को लेकर के इनके बीच में कोई बात चल रही थी। लगभग 20,000 रुपये के लेन देन का भी प्राथमिक तौर पर तथ्य आया है। घटना में उसके द्वारा जो प्रयोग की गई हथौड़ी और मृतक की गाड़ी की चाबी, मृतक जो आनंद बीवे का मोबाइल और जो आनंद विजयानंद वानखेड़े है उनके जो कागजात हैं ये पुलिस ने निशानदेही पे जब्त किए हुए हैं, और विजयानंद वानखेड़े का मोबाइल उसने कहीं फेंक दिया है जिसकी खोजबीन जारी है। सर वाला पता नहीं और क्या क्या जो इस पत्र के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भाई हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो आज का जो हमारा यहाँ मिलने का मेन कारण है वो ये है कि हम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन, जो एक नेशनल ब्रांड है जिसके करीब 57+ सेंटर्स हैं कॉलेज के, तो हमने अभी 2019 में एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया जिसका नाम हमने रखा द पेरिस प्रोजेक्ट। तो ये जो पेरिस प्रोजेक्ट है उसके पीछे जो रीज़न था मेन वो ये था कि बच्चे जो इंडिया में पढ़ते हैं नो डाउट उनको जो शिक्षा प्राप्त हो रही है या जो एक्सपोजर प्राप्त हो रहा है उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, लेकिन भारत से बाहर भी एक दुनिया है। और हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे बच्चे हैं स्पेशली INSD में पढ़ने वाले बच्चे कि वो जो उनकी जो नॉलेज है या जो उनको एक्सपोजर है वो हिंदुस्तान में सीमित होकर रह जाए, वो ग्लोबल डिज़ाइनर्स बन सकते हैं और वो अपना जो एक माइंड का एक सोच है या जो एक उनका सोचने का तरीका है या जो उनका एक विजन है या जो उनकी एक कहते हैं ना इंस्पिरेशन है वो पूरी दुनिया से वो अडाप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने पेरिस प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका एक सेशन हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं सितंबर 2019 में, और अगला सेशन हमारा अप्रैल 2020 में प्लान है। तो उसके लिए जब हमने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, जो बच्चे वहाँ होके आए, जो हमने उनसे बात करी और उनका हमने रिव्यूज़ लिया या उनको अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, उन्होंने बताया कि सर उनमें से 95% बच्चे ऐसे थे जो हिंदुस्तान से बाहर पहली बार गए थे। तो कहते सर जो हमने वहाँ देखा, जो हमने वहाँ महसूस किया या जो हमने वहाँ सीखा उससे जो हमारा सोचने का ढंग था या जो हमारा सोचने का एक तरीका था उसमें इतना बदलाव आया कि जो हम सोचते थे कि हम नहीं कर सकते या ये बहुत बड़ी बात है, जब हम डिज़ाइनर्स के नाम सुनते थे, हम डिज़ाइनर्स के बारे में पढ़ते थे तो हमें लगता था कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो नामुमकिन है, लेकिन वहाँ जाने के बाद, वो सब सीखने के बाद, वो सब महसूस करने के बाद हमें लगा कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम कभी सपना देखते थे जिसका या हम सोचते थे। तो उसकी वजह से हमने ये पेरिस प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, और जो उसका पहला चरण हमने पिछले सितंबर में निकाला
उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उससे हमें भी और इंकरेजमेंट मिली। पिछली बार हम 20 स्टूडेंट्स को लेके गए थे और इस बार हम लोग 50 स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं। और इस बार हमने फैशन डिज़ाइन के लिए अलग प्रोग्राम बनाया और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए अलग प्रोग्राम बनाया। आपका नाम? मेरा नाम संजय अग्रवाल है, मैं इस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन का फाउंडर एंड CEO हूँ। और हमारी जो शाखा है वो पूरे हिंदुस्तान में है और हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में। JBD banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।